अभी जनरल बोर्ड की जो मीटिंग हुई है आपके अंदर, तो उसको लेकर के क्या चल रहा है अभी? कुछ नहीं, ये रूटीन हमारी, जब ये आरटीएस बिल लाया गया था तब से जेएमए हॉल हमारा मेन जो कार्यकारिणी का ये अड्डा है, यहाँ पे हम सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो ये डॉक्टर की जनरल बॉडी मीटिंग थी, इसमें ये जो बिल है उसमें जो प्रावधान किए हैं, जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट करेगी, इसके बाद हमें आगे कैसे हमारी आगे की रणनीति तैयार करनी है और हमें गवर्नमेंट की योजनाओं में कैसे क्या आगे काम करना है नहीं करना है, वो हमारा एक पर्सनल डिस्कशन था, जो एक परिवार का अपने घर में डिस्कशन होता है वो डिस्कशन था और कुछ नहीं। तो ये अभी आरटीएच को लेकर के क्या अभी डॉक्टर्स को लगा कि क्या सोल्यूशन निकला है अभी? सोल्यूशन ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ जो उनके पदाधिकारी थे वो कल रात को जो मीटिंग हुई इसमें ये अश्योर किया है कि वो कुछ अमेंडमेंट जो हमारे आपत्तिजनक बिंदु थे उस पर वो करेंगे। उन्होंने रिटर्न में हस्ताक्षरित एक लेटर जारी किया है और ये जब बिल वापस विधानसभा में शायद रिव्यू के लिए आना चाहिए और उसमें ये जो बातें जो की हैं ये एक्ट के तौर के अंदर या एज अमेंडमेंट के तौर पर उसके अंदर आनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि 99% डॉक्टर्स अभी भी सहमत नहीं है चीज़ के लिए। कुछ डॉक्टर्स ने क्या किया है अभी, जो भी मामला सामने आ रहा है कि उन्होंने बताया कि हम लोग एग्री हो चुके हैं, बाकी 99% डॉक्टर्स तो अभी भी उसी चीज़ में लगे हुए हैं कि हम कंटिन्यू विरोध करेंगे। नहीं, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। बेसिकली हमारा एक जैसे एक परिवार का घर में मीटिंग होती है वैसा हमारे डॉक्टर्स की जनरल बॉडी मीटिंग थी। हमारे आपसी जो मुद्दे हैं, किसी को अस्पताल रिलेटेड मुद्दे हैं जो भी हैं, हमने डिस्कस किए हैं। इसमें ऐसा कोई पब्लिक स्टेटमेंट देने लायक कोई बात हमने डिस्कस नहीं की। तो सरकारी योजनाएं जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में कंटिन्यू चलेंगी? अभी तक ये फाइनल निर्णय यही है कि अभी हम गवर्नमेंट स्कीम में काम अभी नहीं करेंगे जब तक हमारे जो बना रखी है हमने प्राइवेट अस्पताल की समिति बनाई हुई है उनके जो हमारे मेंबर आए हैं फाइनल डिक्लेरेशन देंगे, उसके बाद हम आगे का बताएंगे आप।